आज हमें पढ़ना है सिक्स क्लास का साइंस और साइंस का 14th चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है वाटर। और हमें ये पता है पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हम पानी के बगैर नहीं रह सकते हैं। ये एक अहम इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, जैसे कि हमारा नेचुरल इम्पोर्टेंट रिसोर्स हवा है, आयर है, इसी तरह पानी भी हमारा एक इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। मैंने यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं आपके टेक्स्ट बुक से, तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि वी नीड वाटर फॉर डेली एक्टिविटीज़। हम पानी को इस्तेमाल ज़रूरत, हम जो ज़रूरत आने आता है हमारी पूरी डेली एक्टिविटीज़ को, जो भी दिन में हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं, मिसाल के तौर हम एक्टिविटीज़ क्या करते हैं, मिसाल के तौर हम खाना खाते हैं, खाने खाने में भी हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, हम मिसाल के तौर मिसाल कपड़े धोते हैं, हम जो भी हम एक्टिविटीज़ दिन को करते हैं तो हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। और हम पानी कहाँ से हासिल करते हैं, वी गेट वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, वेल्स एक्सेट्रा। तो हम पानी कहाँ से हासिल करते हैं, पॉन्ड से हासिल करते हैं, लेक्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, वेल्स, जो हमें पानी दस्तियाब होता है। और इसमें ज़रूरी क्या बात है, बहुत ज़रूरी है, जो हमारे ओशंस में पानी होता है या ओशन में होता है या सी समंदर में पानी होता है, वो साल्टी होता है, उसमें नमक होता है, ज़्यादा नमक होता है, जिस बिना पे इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल पर्पजेज। और वो पानी हमारे लिए हम पीने के लायक नहीं होता है, वो हमें एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको हम इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। किस पानी को, जो पानी ओशन में होता है, सी में होता है, समंदरों में जो भी पानी होता है, वो हम नो पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, नो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, नो इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, साल्ट होता है। और वाटर फ्रॉम ओशंस लेक्स गेट्स एवोपरेट। और जो पानी ओशंस में होता है, लेक्स में होता है, या मिसाल के तौर और ये भी मिसाल के तौर पॉन्ड्स में भी जो भी होता है, ये एवोपरेट होता है। एवोपरेट एक्चुअली एवोपरेट क्या होता है, एवोपरेट का ये एवोपरेशन से है। एवोपरेशन किसको कहते हैं, ये एक कंसेप्ट टर्म है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वाटर इंटू वाटर वेपर्स। पानी तब्दील होता है, चेंज होता है वाटर इंटू वाटर वेपर, जब मिसाल के तौर पानी समंदर में होता है, कि ये कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है इंटू वाटर। ये एक्चुअली ये तीन चार कंसेप्ट्स हैं, मैं ये भी पढ़ाऊँगा आपको, एवोपरेशन है, कंडेंसेशन है, और है ट्रांसपरेशन भी। एवोपरेशन क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वाटर इंटू वाटर वेपर, दैट इज एवोपरेशन। और कंडेंसेशन भी इसमें है, वो भी एक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ लिक्विड वेपर्स इनटू लिक्विड, उसका उल्टा, यानी कि जो यानी कि उसका रिवर्स ऑपरेशन का, इसको कंडेंसेशन कहते हैं। और ट्रांसपरेशन भी इसमें है, द प्रोसेस ऑफ विच प्लांट्स लूज देयर वाटर इनटू एयर, दैट्स ट्रांसपरेशन। वाटर सर्कल भी, साइकिल भी आपको पढ़ना होगा, छोड़िए वो बात। अब यहाँ ये इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है, कि जो समंदर में पानी होता है वो पीने के लायक नहीं होता है, वो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल नहीं हो सकता है, वो इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पानी होता है। और जो पानी ओशंस में होता है, लेक्स में होता है, जो वो एवोपरेट होता है। एवोपरेट फिर क्या होता है, एक्चुअली ये क्लाउड्स आते हैं, मिसाल क्लाउड्स आर जस्ट द कंडेंसेशन ऑफ एवोपरेट वाटर इन टू द एयर। ये भी आपको इंशाल्लाह आगे पढ़ना होगा, कल या परसों दूसरा जो मेरा वीडियो होगा वो इसके बारे में होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।